मोदी जी के शासन का 9 साल देश को कर दिया बदहाल, नोटबंदी को बनाकर ढाल जनता को किया बेहाल, लेकिन भाजपा हो गई पूरा माला माल। 15 लाख आएंगे खाते में, 2 करोड़ नौकरी, सबका खुल गया पोल, अब बेमिसाल का झूठा क्यों पीट रहे ढोल। और इस सवाल का जवाब अगर भाजपाइयों को चुनौती है वो दे दें हिम्मत है तो। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को बीजेपी 9 साल बेमिसाल के तौर पर मना रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी के द्वारा 9 साल बेमिसाल का जवाब कविता के माध्यम से दिया जा रहा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कविता के माध्यम से क्या कुछ बातें लिखी है, आइए जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के 9 साल के शासन काल को कह रही है स्वर्णिम काल, बेमिसाल, ये ढोल पीट रही है। उसका पोल हमने खोला है, जो जनता के बीच में सवाल गूंज रहे हैं उसका जवाब इस कविता के माध्यम से दिया है। मोदी जी के शासन का 9 साल देश को कर दिया बदहाल, गरीब मजदूर किसान नौजवान और पहलवान सबका है बुरा हाल, नोटबंदी को बनाकर ढाल जनता को किया बेहाल, लेकिन भाजपा हो गई पूरा माला माल। बजरंगबली भी समझ गए इनकी चाल, कर्नाटका में संजीवनी ही दिया निकाल, अपनी छवि चमकाने का रहता पूरा ख्याल, लेकिन देश की पहलवान बेटियों का नहीं पूछेंगे हालचाल। जनता समझ गई है भाजपा का चाल, जांच एजेंसियों का विपक्षी पार्टियों के लिए ही सिर्फ हो रहा गलत इस्तेमाल, नकली अहंकार तानाशाही व्यवहार, जुमलेबाजी की बौछार, छल कपट व झूठ की बहार, नमामि गंगे स्मार्ट सिटी सांसद लेंगे गांव गोद, 15 लाख आएंगे खाते में, 2 करोड़ नौकरी, सबका खुल गया पोल, अब बेमिसाल का झूठा क्यों पीट रहे ढोल। पूंजीपतियों से प्यार, गरीबों पर किया अत्याचार, सोते रह गए चौकीदार, लुटेरे देश से हो गए फरार, महंगाई अपरंपार, अर्थव्यवस्था का बंटाधार, समाज में दरार, लोकतंत्र किया तार तार, अच्छे दिन का सपना ना हुआ साकार, कुछ तो शर्म करो मोदी सरकार, 2024 में जनता करेगी ऐसा कमाल, भाजपा हो जाएगी बेहाल, इस शासन काल को किसी भी कीमत पर कोई नहीं कह रहा बेमिसाल। लेकिन बीजेपी कह रही है कि स्वर्णिम काल रहा है 9 साल। देखिए, इसलिए तो हमने कहा जितना सवाल गूंज रहा है जनता के मन में, इस सवाल को हमने एक कविता के माध्यम से कहा, और इस सवाल का जवाब अगर भाजपाइयों को चुनौती है वो दे दें हिम्मत है तो। अरे, अपना बेमिसाल ये जो चाहे जितना पीटे ढोल, इनका तो पूरा खोल दिया हमने पोल, आज तो इनको पूरा नका भी उतार दिया कि अब ये जो स्वर्णिम काल बेमिसाल ये जो पीट रहे ढोल, इनका आज खुल गया पोल, इनके हिम्मत है इनमें तो हमारे सवालों का जवाब दे दे। बीजेपी अध्यक्ष ने आज भी कहा है, बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने, कि जो वो जनसंपर्क अभियान वो चला रहे हैं 30 मई से 30 जून तक बिहार में, उसमें वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे, तमाम जो नेता आ रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का दौरा क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा क्यों ना हो, तो वो जो बीजेपी के द्वारा काम किया गया है उसे जनता के बीच लेके जाएंगे, जनता को बताएंगे। देखिए, बीजेपी के कामों का तो पोल ही हमने खोल दिया, जुमलेबाजी की ही हुई है बौछार, नमामि गंगे स्मार्ट सिटी 15 लाख खाते में, 2 करोड़ नौकरी, सांसद लेंगे गोद गांव को, ये सबका क्या हश्र हुआ। ये 5 किलो अनाज के नाम पर गरीबों का थाली खाली है, और जिस योजना को ये अपने उपलब्धि बता रहे हैं, आज भला गैस सिलेंडर का क्या दाम है, ये क्या बताएंगे, इनका पूरा पोल खुल गया है, और 2024 में ऐसा कमाल जनता करेगी बीजेपी गिरेगी धमा। तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार के 9 साल कार्यकाल को बीजेपी 9 साल बेमिसाल के तौर पर मना रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने कविता के माध्यम से सवाल पूछे हैं, 9 साल बेमिसाल का जवाब कविता के माध्यम से दिया गया है आरजेडी के द्वारा, और यह साफ तौर पे कहना है आरजेडी का कि उन्होंने बीजेपी के 9 साल बेमिसाल की पोल खोल दी है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।